वहीं सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर बनारस मार्ग स्थित घाट पिंडारी में दो ट्रकों की आमने सामने हुई भिड़ंत से 14 घंटे का लगा जाम, जिसमें हजारों वाहन फंसे रहे। वहीं जाम इतनी जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी रही। वाहनों की जाम को खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वाहन होने के कारण दो क्रेनों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को किया गया किनारे। घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के सामने के हिस्से पर खच्चे हो गए। वहीं ड्राइवर व खलासी वाहन ने से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, जिन्हें मामूली चोट आई। सवाल यह उठता है कि घाट पिंडारी, जो सूरजपुर जिले में स्थित है, यहां पर मौतों का आंकड़ा हजारों के पार हो चुका है। वहीं रमन सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की लागत से घाट कटिंग व बजट पास हुआ, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी भी लगातार वाहनों के पलटने की घटना एवं मौतों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में क्या भूपेश सरकार इस घटना पिंडारी जैसे प्रमुख ज्वलंत समस्याओं को निराकरण करने के लिए ठोस कदम उठाएगी? एक ट्रेलर जो है जिंदल रायगढ़ से जो है ट्रेलर में लोहे जो रेलवे की पटरी होता है वो लोड करके शाहपुर जा रही थी, शाहपुर उत्तर प्रदेश, और घाट पिंडारी के घाट पर जो है कि विपरीत दिशा से आने वाडम नगर दिशा की ओर से आ रही थी ट्रेलर जिसमें चूना लोड था, आमने सामने टकरा गई, जिससे रोड ब्लॉक हो गया था। और तब से छोटी गाड़ियाँ तो निकल रही थी, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो रही थी। ड्राइवर दोनों को हल्की चोटें आई है, जो फंस गया था उसको तत्काल निकलवा करके और अस्पताल भिजवाया गया। फर्स्ट एड के बाद वो सही ठीक ठाक हैं, और दो हाइड्रा क्रेन जो है मंगवाया जाकर अंबिकापुर से वो रोड क्लियर कराया गया है और आवागमन चालू किया गया है। कितने घंटे तक जाम लगा सर? लगभग 12 से 14 घंटे तक जाम रही। घाट पिंडारी जो है ये दुर्घटना जन्य क्षेत्र है और इसमें वर्ष में 8 से 9 लोग अकाल मृत्यु हो जाती है। इसमें घाट पिंडारी का जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति से प्रस्ताव भेजा गया है, कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, कुछ राज्य सरकार को। इसमें लगातार कलेक्टर साहब और जो जिला सड़क सुरक्षा समिति है वो मॉनिटरिंग कर रही है। हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है और शीघ्र ही इसमें कुछ स्वीकृति मिल जाएगी और ये जो घाट का जो कटिंग है वो ठीक हो जाएगा उसमें।